जय हिंद। आज हमारे साथ मल्लिका शेरावत भी हैं और इमरान हाशमी भी, द ग्रेट बॉलीवुड किसिंग डुओ। दैट्स फॉर लेटर। सबसे पहले पाकिस्तान ने अपनी एक और मिसाइल हत्फ, हत्फ आप समझ नहीं पाओगे इसलिए मैं स्पेल आउट करता हूं, HATF, हत्फ 8 रिसेंटली टेस्ट लॉन्च की और ये पूरी दुनिया के लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि इससे भरोसा हो जाता है कि कम से कम अब तक तो पाकिस्तान की मिसाइल पाकिस्तान के ही पास है, तालिबान के हाथ नहीं लगी है। पर इसमें एक अजीब बात यह है कि पाकिस्तान ने पहले हत्फ 4 टेस्ट की, फिर हत्फ 3, फिर हत्फ क्या होता है वो, हाँ 9, फिर हत्फ 8, हत्फ 6। तो 2008 में ही टेस्ट हो गया और अब टेस्ट की हत्फ 8। अब या तो उन्हें गिनती नहीं आती या तो ये मिसाइल का ऑर्डर भी अपनी क्रिकेट टीम के बैटिंग ऑर्डर की तरह सिलेक्ट करते हैं, मतलब एकदम रैंडम, या फिर ये मिसाइल के ऑर्डर के लिए भी लकी ड्रॉ निकलवाते हैं कि ओ भाईजान अभी अभी जनरल साहब के कुत्ते ने जो है वो ये पर्ची निकाली है, कल 9 नंबर वाला उड़ेगा, रेडी करवा के रख, जरा वो कम वाली से कहकर साफ भी करवा लेना, कल उड़ते वक्त क्या है वो अच्छा दिखना चाहिए, आप मुझे ऑफिसर्स के सामने यार नाक नहीं कटवानी। और अगर इन मिसाइल्स के नंबर इतने उल्टे पुल्टे हैं तो उनका काउंटडाउन कैसे होता होगा, 10, 9, 4, 1, 2, 7, 23, 59, 8 हो गया, उड़ो पैर उड़ाओ ना। पर इतना ही नहीं, हत्फ ना, ये तो नाम ही कमाल, हत्फ एनीवे, हत्फ 9 जो मिसाइल है उसकी रेंज 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर के लिए मिसाइल बनवाने की क्या जरूरत थी, लोकल ट्रेन ही बना लेते। विरार टू चर्च गेट वाली लोकल भी इतना डिस्टेंस ही तो जाती है और उसमें डेली जितने लोग मरते हैं उतने ये मिसाइल भी कभी मार नहीं पाएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि 60 किलोमीटर की रेंज किस काम की, 60 किलोमीटर क्या होता है, अगर मतलब दिल्ली पे अटैक करना है तो पहले चुपके से गुड़गांव बॉर्डर तक लाना पड़ेगा और गुड़गांव बॉर्डर पे पहुंच गए तो आपके पास मिसाइल हो या न्यूक्लियर बम हो, जीत उसी की होगी जिसके पास ओपन टॉप जीप विद वेरी लाउड म्यूजिक प्लेयर होगी, यानी कि गुड़गांव के वो जो गुंडे लड़के। और क्योंकि मैं इतना विद्वान हूं और मिसाइल टेक्नोलॉजी में खूब दिलचस्पी भी रखता हूं, मैं पाकिस्तानी साइंटिस्ट को कुछ एडवाइस देना चाहता हूं। एडवाइस नंबर 1, मिसाइल बनाइए, बिल्कुल बनाइए, बेशक बनाइए, पर ऐसा कुछ कीजिए कि बनाने वाला भी शान से कहे ये मैंने बनाई है। 60 किलोमीटर रेंज वाले को तो ऑर्कुट पे भी कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा। एडवाइस नंबर 2, मिसाइल्स के नाम थोड़े इंटरेस्टिंग रखे। हत्फ क्या होता है, हत्फ, हत्फ साउंड्स लाइक HATF साउंड्स लाइक WATF, यानी कि व्हाट ए ना, व्हाट आर द, एक्चुअली यही नाम है, हाँ HATF नहीं WHATF, ये देखिए बेसिकली WTF की ये पाकिस्तानी स्पेलिंग है। एडवाइस नंबर 3, जैसा कि हमने पहले कहा मिसाइल्स की नंबरिंग ठीक से करे बे, ऐसे नहीं लगना चाहिए कि दर्शील सफारी ने नंबरिंग की है। एडवाइस नंबर 4, मिसाइल बनाना ही छोड़ दे और किसी ढंग के काम पे ध्यान दे, जैसे कि ड्रोन अटैक से बचना। और एडवाइस नंबर 5, मिसाइल एंड ऑल इज ओके, अपना नया IPL शुरू करना भाई, अभी बर्बाद हो जाओगे, टेक इट फ्रॉम अ कंट्री विच इज ऑलरेडी सफरिंग।